अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शो लज्जत। और जी हम आज भी डे सेकंड मौजूद हैं बीच पे। अब आप सोचे अगर पिकनिक अगर हमें करनी होती है या बहुत थकान के बाद कुछ चेंज चाहिए होता है तो हम पिकनिक प्लान करते हैं, और पिकनिक भी ऐसी प्लान करते हैं जो बीच पे होती है। समंदर को देखकर एक्चुअली फीलिंग ही ऐसी आती है जब इंसान रिलैक्स हो जाता है। जितनी टेंशन, जितने स्ट्रेस, जितना डिप्रेशन हो रहा है, पानी को देख के भी जो है ना रिलैक्स फील करता है। और एक वो भी है, रिसर्च भी है, ये कहते हैं ना कि एक्वेरियम को देखें तो उससे भी बीपी जो है आपका नॉर्मल रहता है। पानी में पांव डाल के बैठे तो उससे भी बीपी जो है आपका नॉर्मल रहता है। तो ये है जी इतना सारा समंदर आप लोगों के सामने, जहाँ जी हम आपको ले आए हैं। और आप सोचे विंटर्स है, सर्दी की हवाएं हैं, पानी का शोर है, ठंडा ठंडा पानी भी है जो बहुत ही शानदार लग रहा है। और ये है हमारा सी फूड वीक का डे सेकेंड, जो डे सेकेंड भी हम आपको सिखाएंगे शानदार और मज़ेदार रेसिपीज, और इसी तरह से पानी की कुछ लहरों की आवाज़ें भी साथ साथ सुनाते जाएंगे। पर आज क्या बन रहा है डे सेकेंड, ये बहुत ही शानदार है। डे वन भी बहुत इंजॉय किया। पूछते हैं जी आपा ने कितना एंजॉय किया, क्या बना रही हैं आज? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, बड़ी छानी आज तो डे सेकंड में, खूब पिकनिक के मूड में है भाई। देखिए समंदर देख के तो पिकनिक का दिल जाने लगता है ना। हाँ। तो बहरहाल बहुत जबरदस्त पिकनिक हो रही है, हमारी पिकनिक हो रही है और बाकी हमारे देखने वालों के मजे आ रहे हैं, है ना। कि जबरदस्त सी रेसिपी देख के भी ना, बैठे पानी को देख के भी कुछ सुधर आपको आई को भी लगता है ना, बहुत ज्यादा ना। हाँ। तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक ठाक है, खैरियत? हम लोग तो बहुत इन्जॉय करें, आई एम श्योर कि आप लोग भी हमारे प्रोग्राम को देख के बहुत ही इन्जॉय कर रहे होंगे, आपको अच्छा लगा। रेसिपी सिंपल है और लेकिन ये है कि आप बना सकते हैं अपने घरों में। तो आज क्या बनाने जा रहे हैं ये भी हम आपको, आज क्या बना रहे हैं, आज क्या बना रहे हैं, बताएं बताएं क्या लंच करवा रही हैं आज आप बीच पे? बिल्कुल जनाब। हाँ। आज मैं बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही अच्छी रेसिपीज बता रही हूँ। आज हम सबसे पहले तो बनाएंगे फिश स्टेक्स बनाएंगे, ठीक है। फिश स्टेक के लिए देखें जी, आप सोच रहे होंगे फिश में ऐसा मीट का पोर्शन कहाँ से आता है, लेकिन फिश स्टेक जो ना इस तरह के पीसेस से बनाई जाती है। देख रहे हैं आप कितने ज़बरदस्त से मेरे पास ये पीसेस रखे हैं, बड़े बड़े ना। तो इससे हम बनाएंगे फिश स्टेक। हाँ। इसको मैरिनेट करेंगे, मैरिनेट करने के बाद इसको सिजलर पर सर्व करेंगे और फिर बनाएंगे इसका एक बटर सॉस बनाएंगे, जो डिफरेंट हर्ब्स के साथ बनाएंगे। हाँ। लेमन के साथ बनाएंगे, लेमन एंड हर्ब सॉस। उसके इंग्रेडिएंट मैं आपको बताऊंगी, इसमें हमारे पास बटर है, ठीक है, 2 से 3 टेबलस्पून आप बटर लीजिएगा, लेमन जूस, इसके अलावा क्रश किया हुआ लहसुन है और थोड़े से ये मिक्स हर्ब, मिक्स इटालियन हर्ब, ठीक है, इसका इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम सिजलर को गरम करेंगे और उसमें हम राइस भी सर्व करेंगे। एक कंप्लीट मील है, आपको बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। और साथ ही आप देख रहे हैं बहुत सारी वेजिटेबल्स भी हैं मेरे साथ, मेरे पास इतनी सारी हैं भाई। तो जिसमें जुकीनी है, गाजर है, शिमला मिर्च है, ब्रोकली है, बहुत सारी चीज़ें जिसको कि हम इसके साथ सर्व करेंगे, बहुत आपको अच्छा लगेगा। ये कंप्लीट मील है। हाँ। और सेकंड रेसिपी जो बनने जाएगी वो भी बहुत ही मज़े की बनेगी। पास्ता नज़र आ रहा है फिलहाल तो मुझे, सी फूड पास्ता सैलड बनेगा जनाब। तो ये सी फूड देखें, देखिए पास्ता आप कोई सा भी ले लें, मैंने डिफरेंट ले लिए हैं, मैंने यहाँ पे 3-4 किस्म के, इनको मैंने सब ले लिए, मुझे लग रहा है सब मौजूद है। ये है, इसके अलावा ये चिकन, ये इसके फिश के चंक्स आपको नज़र आ रहे होंगे। इसको हमने क्या किया था कि हमने छोटे छोटे चंक्स काटे और उसके बाद नमक नमक डाला, थोड़ा सा सिरका इसके अंदर डाला और पानी में हल्का सा इसको बॉईल कर लिया, हल्का सा। अच्छा, बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर हो गया क्योंकि इसमें हमने विनेगर शामिल किया था। आप चाहें तो इसको बटर के साथ भी थोड़ा सा सौते कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बॉईल किया। इसके अलावा ये प्रॉन्स मेरे पास सी फूड है, तो इसमें ऑब्वियसली प्रॉन्स भी मौजूद होंगे, तो ये मेरे पास प्रॉन्स मौजूद हैं। अच्छा, इसकी क्वांटिटी को फिक्स नहीं है। अच्छा। जो चीज़ अच्छी लगती है वो डालें, ज़्यादा कर दें। बिल्कुल। ये है मेरे पास प्रॉन है, तकरीबन 200 ग्राम 100 ग्राम, और एक बोल पास्ता का है। इसके अलावा हम इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे ये हम आपको बता दें। जैसे कलर ऐड करने के लिए टमाटर है, इसके अलावा हेलोपिनो पेपर्स हैं, क्योंकि सी फूड हमेशा बटर के साथ बहुत अच्छा लगता है, या फिर आप जब कुटी हुई काले मिर्चे किसी चीज़ में डालते हैं उससे अच्छा लगता है, या कुछ लोग बहुत स्पाइसी बना देते हैं इसको ना, तो वो भी अच्छा लगता है, लेकिन फीका नहीं अच्छा लगता बिल्कुल भी ना। तो आप इसमें हम डालेंगे हेलोपिनो पेपर्स डालेंगे, जो कि आपको पता है मैक्सिकन खानों में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा शिमला मिर्च है, थोड़ा सा सोया हमने लिया है, सोया इजीली हम मिल जाता है तो हमने लिया है। अच्छा, इसकी जो ड्रेसिंग है वो क्या है, मेयोनीज़ है, क्रीम है, मस्टर्ड पेस्ट है, लेमन जूस है, नमक, और उसके अलावा थोड़ी सी शुगर डाल के हम इसको बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके तमाम चीज़ें मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अब ये इतना आसान है कि दोनों रेसिपीज़
कि हम यहाँ पर आके भी बना सकते हैं। अच्छा फिर एक डिप भी बनेगी। अच्छा बहुत अच्छी सी एक डिप बनाएंगे आप देखिएगा कि हम बहुत ही क्रेजी सी हम एक डिप बनाने जा रहे हैं। क्रेजी जो सी डिप, ये क्या सीन है? क्रेजी आप देखिएगा कि कैसे बनेगी। हाँ? और उसके इंग्रेडिएंट सरप्राइज है, कहीं कहीं तो होना चाहिए ना। अच्छा ठीक बिल्कुल भी चलेगा। अच्छा जी भाई इतनी अच्छी पिकनिक हो रही है तो कुछ तो होना चाहिए ना। ये अब हम फिश की स्टेक्स जो हैं इसको मैरिनेट करेंगे। ठीक है ये मेरे पास 5 पीस हैं। ऐसे रेसिपी कार्ड में 4 लिखा हुआ है लेकिन आप 5 भी ले सकते हैं क्योंकि ये 3 बड़े हैं और 2 थोड़े से छोटे थे तो मैंने इसलिए 5 पीस ले लिए। ठीक है अब हम इसमें मैरिनेट करेंगे किससे? नमक डालेंगे सबसे पहले। तो नमक गया, ये दरअसल ध्यान रखिएगा कहीं ऐसा ना हो कि आपके ऊपर आना शुरू हो जाए। ये नमक डाला एपिसोड में भी बड़ी में मैरिनेट हुई थी मसालों के साथ, फिश कम हो रही थी अभी ज्यादा हो रही थी। अच्छा फिर ये कि हीट भी आपकी तरफ ज्यादा जा रही है, मुझे ही रोस्ट कर ले। चले जी ये है मस्टर्ड पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पे ले लिया और इसमें अब क्या डालेंगे? अब हम डालेंगे लेमन जूस। ठीक है जी ये लेमन जूस है, ये क्या ले अब मैं पूरा इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, आप परेशान नहीं हो। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें सोया सॉस, ये चला गया। ये तमाम चीज़ें मैं डाल रही हूँ फिर उसके बाद आराम से इसको मिक्स करूँगी। ये है लहसुन। ठीक है आप सोचेंगे हमारे जहनों में यही बात आती है ना कि स्टेक्स जो हैं सिर्फ जो है हम बनाते हैं चिकन से या फिर बीफ से बनाते हैं, फिश की स्टेक कैसे बनेगी तब हाँ। आप देखिएगा इंशाल्लाह। मैं भी वैसे इंतज़ार में हूँ, कुछ डिफरेंट है हाँ। कि कैसे बनेगी है। अच्छा जी अब हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च कुटी हुई। ठीक है काली मिर्च कुटी हुई तकरीबन इसमें जाएगी 1.5 टीस्पून। सही है जी ये चली गई। बड़ा मज़े का है आपका ये। हाँ इस इधर से मोटा निकलता है और इधर से बारीक निकलता है ना। एक के लिए ये ले, दूसरा वाला। ठीक है अब लहसुन पाउडर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अच्छा ऑयल भी इसी स्टेज पे हम डालेंगे तो अभी मुझे आप ऑयल देंगे। मेरा दिल चाह रहा है जल्दी से ये हम इसको आपको बता दें और उसके बाद ज़रा फिर आपको बताना। आप सोचिए इनका भी अंदर से बड़ा दिल चाह रहा होता है कि पानी में जाना है। अच्छा डरती तो खूब ये भी है, ज्यादा पानी में इनको भी नहीं जाना होता। हाँ, नहीं, थोड़ा थोड़ा मैं कहती हूँ हाँ थोड़ा ही थोड़ा। दोनों कभी कुछ सीन हुआ है कि कभी कोई चीज पानी में चली गई हो कोई खाने की कोई हाँ, कभी समटाइम्स कुछ भाई मेरे एक दफा सनग्लासेस जो मेरे बहुत फेवरेट थे हाँ, और शायद मैं इतने अरसे से उनको संभाल संभाल के यूज करी थी और मैं पिकनिक पे आई थी इसी तरह से मैंने लगाए हुए थे और वो चले गए और मैं बहुत कोशिश की पकड़ने की लेकिन वो हाथ नहीं आए। हैट्स कैप्स ये चली जाती है। हाँ, मेरे साथ तो इतना खौफनाक सीन किया था, मतलब खौफनाक इस सेंस में भाई मोबाइल गया था मेरा इसलिए मुझे खौफनाक लगता है। हमारे सारे कजन्स थे, अभी का फ़ोन निकाला। अच्छा ठीक है मैंने तो कोई बात नहीं सब पिक्चर्स ले रहे हैं हम एक्सचेंज कर लेंगे पिक्चर्स हाँ। जिसके भी फ़ोन में होंगी पानी में जा जा के अंदर अंदर पिक्चर्स बना रहे हैं। वो एक लहर ने जो गिराया तो मैंने कहा ना मेरा फोन चला गया, मैं अपने फोन को जाता हुआ देखा। आए हाय 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 पानी के अंदर देखा वो बकायदा जो लहरें है ना उनके ऊपर ऊपर नजर आ रहे हैं। पकड़ ले उसे लेकिन पकड़ नहीं सकते। हाँ होता है इस तरह से ना। चले जी इसको हमने मैरिनेट कर दिया। मैरिनेट करके बच्चों की चली जाए, बच्चे कितना रोते हैं और मुझे याद है एक दफ़ा कि हम लोग गए थे तो मेरा बेटा जो है छोटा था हाँ। और वो अम्ब्रेला अपनी छोटी लेकर आया था, उसने कहा कि मैं यहाँ बैठूंगा तो मैं अम्ब्रेला के साथ बैठूंगा और उसके अम्ब्रेला पानी में चली गई थी। वो पूरा टाइम वो रोता रहा इस बात पे कि मेरी अम्ब्रेला चली गई। ऑब्वियसली अभी अम्ब्रेला के पीछे पीछे तो हम नहीं जाएंगे ना तो मुश्किल हो जाता, डर भी लग रहा होता है। बहरहाल ये देखिए हमने इसको मैरिनेट कर दिया, बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा ये आप बिल्कुल बनाइएगा। भाई मैं यही बात बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ कि ठीक है आप यहाँ नहीं आके बना सकते तो घरों में तो बना सकते हैं ना, तो बिल्कुल बारबेक्यू कीजिएगा अच्छा लगेगा आपको ना। बिल्कुल सही है। चलें जी ये हो गया हमारा तैयार हो गया। कितनी देर करेंगे मैरिनेट? इसको कम से कम आप 1 से 2 घंटे रखिएगा तो अच्छी मैरिनेशन हो जाएगी इंशाल्लाह। पर हम नहीं करेंगे जाहिर सी बात है, इतनी देर मैरिनेट तो नहीं करेंगे हाँ। तो फिलहाल ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक ले लेते हैं। ओके तो जी टाइम है ब्रेक लेने का। बड़ी अच्छी अच्छी सी बातें चल रही हैं, आपके भी पास आई एम श्योर इस तरह के एक्सपीरियंस होंगे। पानी में चली जाती है चीज़ें, कुछ क्या करें, कुछ पानी में जाती हैं और कुछ लोगों को कुछ इतने खुशनसीब लोग होते हैं जिनको पानी में से चीज़ें मिल जाती हैं। कुछ तो हम मैंने लोगों से सुना जी गोल्ड की रिंग मिली है, ब्रेसलेट मिला, मैंने कहा वाह 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 बड़े लकी लोग हैं। वेल ये है पानी, इसमें चीज़ें जाती भी है आती भी हैं, पर जो भी है यहाँ आके एक माहौल ही चेंज होता है। आगे क्या हो रहा है ये है सी फूड स्पेशल वीक, मजीद आप लोगों के साथ बहुत सारी और रेसिपीज ढेर सारी बातें शेयर करते जाएंगे लेकिन फिलहाल जाना ब्रेक में ज्वाइन करते हैं।
वेलकम बैक। और हम यहाँ समंदर पे मौजूद हैं और ये है हमारा सी फूड बड़ा ही स्पेशल वीक। और जी हर थोड़ी देर में मैं पानी की तरफ चली जाती हूँ, कुछ कहते हैं ना कि बड़ा पानी का शौक है, पानी की मछली बन गए हैं जी, क्या करें। पानी को देख के वही दिल ललचा रहा होता है, पहुँच रहे होते हैं बेचारी। आपा थोड़ी सी मजबूर है, आपने कहा जी कुकिंग करके ही लंच रेडी करके जाएंगी जी। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, अब हमने फिश को तो मैरिनेट कर दिया और हम ये समझ रहे हैं कि 2-3 घंटे गुजर चुके, जबकि ऐसा हरगिज भी नहीं, हम तो यहीं पर टाइम गुजारा। अब हमने पैन को गर्म करना शुरू कर दिया, ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ पर ज़ाहिर है मेरे पास ये 2 पैन है, आप ग्रिल पैन में भी इसको कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये मैं इसको पैन गर्म कर रही हूँ और उसके बाद मैं इसको कुक करूँगी। अच्छा मैरिनेशन जो है इसकी जो थोड़ी सी बची हुई है उसके ऊपर पर हम डाल सकते हैं। उसके बाद हम बनाएंगे लेमन एंड बटर सॉस जो बहुत ही कोई मज़ेदार बनेगा इंशाल्लाह ताला, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है जी। चलो जी बिस्मिल्लाह, एक चलेगी और इसके बाद हमने सोचे ये फिश स्टेक है, अब तक हमने बीफ और चिकन इसका और... अच्छा इसका तरीक़ेकार यही होता है कि फ़िश इस तरह से कटी हुई होना चाहिए कि ये बिल्कुल यहाँ से जॉइन होना चाहिए, जिस तरह के आप ये देख रहे थे ये वाला कितना अच्छा जॉइन था कि बड़े आराम से कुक होगी, टूटेगी बिल्कुल भी नहीं इंशाल्लाह ताला। और ये जैसे ये राउंड वाले हैं जैसे ये देखे ना ये कितना अच्छा, और ये देखे कितनी ज़बरदस्त है कि सिर्फ एक डिश में कांटा है। और फ़िश के बनाने के इतने बेशुमार तरीके हैं और हम चाह रहे हैं कि आपको आसान आसान बताएं ताकि आप लोग भी इजीली बना सकें। फ़िश का सालन तो हर घर में बनता ही बिल्कुल है ना? ये तो एक नॉर्मल और कॉमन चीज़ है। तो ये आप देखिएगा कि इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी लगेंगी ये रेसिपीज। हमने बहुत देख के इसलिए बनाई है कि आप लोग भी अगर कभी आते हैं समंदर पे तो इजीली बना सकें इन चीज़ों को ना, ठीक है जी। ये हो रही है समंदर पे आए तो समंदर की चीज़ें ही इंजॉय करें, बिल्कुल है ना। चलो जी हो रहा है। अच्छा वेजिटेबल इसमें हमने शिमला मिर्च है, जुकीनी है, ब्रोकली है, गाजर है, आलू है। ये देखिए जब भी स्टेक सर्व होती हैं तो एक कंप्लीट मील होता है, इसके साथ हम राइस भी सर्व करेंगे है ना, सिज़र पे रखेंगे और राइस भी सर्व करेंगे। अरे और आपका और दिल चाह रहा है तो आप आराम से सैलेड खा सकते हैं और डिप भी बहुत अच्छी सी बनेगी। इसके लिए आप बिल्कुल हमारा प्रोग्राम देखते रहिएगा। हाँ चेयर रखें, पानी थोड़ा थोड़ा आपके पाँव को टकरा रहा, ऊपर कुछ अम्ब्रेला वगैरह कुछ लगवा लें, नहीं लगानी कोई बात नहीं है अगर, और सैलेड इंजॉय करते जाएँ। पानी आता जा रहा है, जाता जा रहा है। वैसे मुझे न जाने क्यों ऐसा लग रहा है ये बेस्ट टाइम होता है, आप आ सकते हैं जिन्होंने कम कम नहाना होता है, लाइक थोड़ा थोड़ा पाउंड डिप हुए हैं और ये जिन्होंने अपनी सिर्फ नेल्स कुछ कहते हैं ना ये लोग, हम समंदर पे गए लेकिन नाखून तक हमने डिप नहीं किया। नहीं 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 भाई, हमने अच्छा खासे पाउंड किए थे लास्ट टाइम, नीज से थोड़ा नीचे नीचे ही रहते बस। हाँ तो उनके लिए बेस्ट है ये वाला टाइम ना, आए क्योंकि ज्यादा धूप भी गर्म नहीं लगेगी, पानी थोड़ा थोड़ा ठंडा, लेकिन जो वो लोग जो पूरा पूरा नहा रहे होते हैं ना बालों तक गीले हो रहे हैं उनके लिए सही नहीं है भाई। पता क्या होता क्या है कि आप फिर मट्टी रेत भी होती है, हम गीले आते हैं फिर मट्टी रेत में से गुजरते वो मुश्किल काम लग रहा है। लेकिन नहीं नहीं इसके साथ साथ मौसम ठंडा है ना, ये भी बात है ना। तो ये मंथ्स ऐसे हैं जिसमें आपने थोड़ा अगर पाउंड डिप करना है, जैसे जिनकी नई नई शादी हुई होती है कुछ कपल ऐसी टायर लगाने के लिए आते हैं जी, वॉक कर रहे हैं और जा रहे हैं और इसी में ही अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं। सोचें मतलब ये वो टाइम है या वो समंदर है या वो जगह है जहाँ पर इंसान रिलैक्स है, प्यार मोहब्बत की बातें भी कर रहा होता है आकर ना। ये आपने बात अच्छी की है ना, प्यार मोहब्बत की बातें भी आप यहाँ कर सकते हैं। और यहाँ पे ऊँट की सवारी भी है, उसके अलावा आपको हॉर्स भी नज़र आ रहे हैं ना, और यहाँ माशाल्लाह से काफ़ी सारे लोग भी नज़र आ रहे हैं। मैं ये सोची थी कि बड़ी फैमिली है भाई, फैमिली आई हुई है बाकायदा यहाँ पे और बहुत इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि खाली हम ही नहीं आए भाई इस मौसम में, और बहुत सारी फैमिलीज हैं जो कि यहाँ पर आई और इंजॉय कर रहे हैं। उनके आस पास तो बहुत सारे ऊँट और मैरिनेशन है ना, ये मैं इसके ऊपर से डाल देती हूँ, ठीक है, ताकि ये कितना अच्छा सा लग रहा है ना। बहुत अच्छा वैसे तैयार कर रही हैं आपने, बड़ी मेहनत की वैसे, सीरियसली मैं तो ये वैसे बोल रही हूँ, मुझे पता है कैमरे के पीछे भी इन्होंने बहुत मेहनत की है इस वीक के लिए। हाँ अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़, और ये वो चाहती थी कि भाई वो रेसिपीज़ मिलें जो आपने बहुत कम सुनी हो या बहुत कम खाई हो, मतलब आपके लिए आप बनाते हुए डरते भी हैं। बस रेसिपीज ऐसी होती है जिनको बनाते हुए आप डरते हैं, तो हो ये बनाएंगे फिश से या प्रॉन से बनाएंगे तो पता नहीं कैसे बनेंगी। तो इंशाल्लाह हमने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश की है कि आप लोग इजीली बनाएं और उसको इंजॉय करें, ठीक है जी। यस ये देखा आपने, और ये जो है इसको भी मैं टर्न कर देती हूँ, बहुत ही अच्छी सी कुक हुई। कलर देखें आप कितना अच्छा सा आ रहा है इसके ऊपर। अब मैं थोड़ा सा चूल्हा जो है तेज़ कर रही हूँ ताकि अच्छी सी हो जाए। अब मैं काम जितना मर्जी आए कर लें,
तेजी नहीं लगेगी। हाँ। वो पता है क्या, आप यकीन करें यहाँ रखी हुई चीजें गर्म हो रही है, ये बोल गर्म हो रहा है जो ऊपर है। हाँ। नहीं होगी सूरज भी यहाँ हमारे। हाँ। हवा का रुख भी यूं ही है, इसीलिए हमने ऐसी चीजें चूज की है कि जो इजीली बन जाए, इनको ज्यादा हीट की जरूरत ही ना पड़े ना। तो बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी फिश स्टेक, बिल्कुल सिर्फ मेरा ख्याल है 5 से 6 मिनट लगेंगे इन फिश स्टेक को बनने के में। सॉफ्ट मीट भी होता है, सॉफ्ट मीट होता है, जल्दी बन जाता है, और सी फूड को हमेशा बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये देखिए जी बेहतरीन, अभी इसका सॉस जब बनेगा तो आप देखिए। अच्छा, मैं काम ये कर रही हूँ कि ये भी तैयार हो गई है तकरीबन, तो मैं इनको एक ही जगह शिफ्ट कर लेती हूँ ताकि हम इस पैन में अपने जो बाकी वेजिटेबल्स हैं उनको भी हम स्टर फ्राई कर लें। इस पैन में भी कर सकते हैं, उससे क्या होगा कि हल्का सा मसाला वगैरह भी इसका लग जाएगा, तो वेजिटेबल मज़ेदार हो जाएगी, है ना। अच्छा, हाँ वैसे वेजिटेबल में भी यही सारा फ्लेवर, यही सारा फ्लेवर आ जाएगा। चले मैं इसको तेज़ कर देती हूँ ताकि ये हो जाए, और फिर इसके बाद मैं इसको हटा दूँ। फिर हम पास्ता, और फिर वो एक आपने क्या कहा था, कौन सी डिप है? हाँ, क्रेजी क्रेजी डिप है, क्रैब मीट डिप है, क्रेजी क्रैब मीट डिप है, बहुत ही ज़बरदस्ती, वो आप लोग ज़रूर देखेगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और उसके साथ हम आपको क्रैब भी दिखाएंगे। हैं? हाँ बिल्कुल, मैं तो समझी कुछ ऐसे लेकर आएंगे पर कैसे पता चलेगा, क्रैब भी दिखाएंगे, क्रैब भी दिखाएंगे। अरे बात है, सोचे मतलब आप सी फूड वीक में हर तरह का वो खजाना जो समंदर में छुपा है और जो हम खा रह सकते हैं और जो रेसिपीज जानेंगे, वो समीना आप सब लेकर आ रही है भैया आपको बताने के लिए। बिल्कुल, बहुत मज़ेदार वीक होने जा रहा है, आगे भी आप एपिसोड देखते रहिएगा। और क्रैब बीच से हम और भी चीज़ें आपको बनाना सिखाएंगे। हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह आप देखिएगा। और अगर टाइम होता ना तो हम यकीन करें कि आपको ये भी बताते कि इसको हम मीट को निकालते कैसे। ये देखें कितनी बेहतरीन इसका कलर आ गया, बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा कलर आ गया। मैं इसको यहाँ रख देती हूँ और मैंने इधर शिफ्ट कर दी सारी। ठीक है, इसको मैंने अभी एक दफ़ा तेज़ आंच करती हूँ, फिर चूल्हा मैं बंद कर दूँगी। उसके बाद हमारी वेजिटेबल्स जो रखी उसको हल्का स्टर फ्राई करेंगे और बनाएंगे बेहतरीन सा एक सॉस। ब्रेक तो नहीं आ गया? नहीं अभी नहीं आ गया, नहीं आया। पानी में आप जब देखते रहिए लहरें कहाँ तक पहुँची। अच्छा, ये तो बड़ा मुश्किल काम है भाई, ये नहीं कर सकती मैं, सॉरी आप अभी तक करके ले जा रही हूँ। लहरें कहाँ तक पहुँची, ये कैसे हो सकता है? वह लहरें तो नहीं, हमें जरूर पानी में जा सकती हूँ थोड़ा सा देर और घूम के आ सकती हूँ। नाम छो के ये तमाम बच्चे अगर देख रहे होंगे छोड़ तो वो भी यकीनन इंजॉय कर रहे होंगे कि ये एक समंदर का व्यू भी मिल रहा है, साथ में कहीं से ऊँच नज़र आए तो कहीं हॉर्स नज़र आए, तो यही है बहुत ही शानदार सा हमारा बीच जिसमें हम कर रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार सा ये व्यू। फिलहाल जा रहे हैं ब्रेक में, फिर आप लोगों को हम ज्वाइन करते हैं। जी तो मैंने अभी ब्रेक में बड़ी अच्छी सी हॉर्स में सवारी की है और साथ में ये मैं घोड़ा भी चलाती हुई लेकर आ गई हूँ। तो ये बाबा जी के वाले करते हैं, हेलो बाबा जी, आ जा आ जा आ जा, ले ले अपना घोड़ा, आपकी अमानत। और ये बड़ी शानदार हॉर्स राइडिंग रही मेरी, थैंक यू सो मच। और चलते हैं अब वहाँ पर, और अब देखिए जब समंदर पे आते हैं तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं जो बहुत ही अच्छी लग रही होती हैं। शुरू में मुझे बड़ा डर लग रहा था, फिर जी मैंने फाइनली कर ही लिया। अच्छा शॉट था, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, फिश स्टेक हमारी तैयार हो चुकी है, यहाँ पैन उसी पैन में जिसमें हमने बनाई थी, थोड़ा सा मसाला भी पड़ा हुआ है, कोई हर्ज नहीं है। 1 टेबल स्पून 1 से 2 टेबल स्पून मैं डालूंगी इसमें ऑयल। ठीक है, ये डाल दिया मैंने, और अब मैं इसमें ये वेजिटेबल्स जो रखी हुई हैं इसको स्टर फ्राई करूँ। ठीक है जी, तो इसमें सारी सब्जियाँ हैं, सबसे पहले मैं इसमें गाजर डाल दूँगी ताकि गाजर जो है थोड़ा सा टाइम लेती है, तो गाजर चली गई। आँच को हम तेज़ कर देते हैं। ओहो, आँच तेज़ तो ऐसी होती है कि जोरों पे जोरों पे ना। अच्छा, इसमें कुछ हम नमक और काले मिर्च भी डालेंगे। ठीक है, इसको हम मिक्स कर लेते हैं। और अब मैं इधर इसके डाल देती हूँ, ये मेरे पास ब्रोकली है, ठीक है ना, ब्रोकली के फूल हैं, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। थोड़ी थोड़ी तमाम चीज़ें हमने ले ली हैं, ये क्या। अच्छा, बाकी चीज़ें जो ऐसी हैं कि ये इजीली हो जाएंगे। ऑयल मुझे थोड़ा सा और चाहिए होगा क्योंकि मेरी वेजिटेबल्स हैं ज़्यादा, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा स्टर फ्राई करते रहते हैं ताकि अच्छी सी हो जाए। अच्छा, इन वेजिटेबल्स का क्रंची होना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्रंची होती है तभी मज़े की लगती है, वरना टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो एक पिंच इसमें हम नमक की भी डालेंगे। ठीक है, ये वैसे तो उसी मसाले में गया तो हमको उसका फ्लेवर भी आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर वैसे भी हम एक बटर सॉस बनाने वाले हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर देती हूँ
एक से दो चुटकी ये चला गया। और अब मैं आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम वेजिटेबल अपनी इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। जैसे कि शिमला मिर्च है, जुकीनी है, प्याज है, और इसमें डाल रहे हैं बॉयल किए हुए आलू हैं। बेहतरीन सी हमारी वेजिटेबल्स जो हैं ये हो जाएंगी इसमें। देखिए कितनी सारी बहुत सारी हाँ। अब आँच को तेज़ रखना है, वेजिटेबल को फ्राई करते वक्त आपने आँच तेज़ रखनी है, वरना क्या है कि वो सारी सॉफ्ट हो जाएंगी, अच्छी नहीं लगेंगी, क्रंच रहना चाहिए वेजिटेबल में, ठीक है। ये हो गया, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, मज़ीद डालेंगे, ठीक है। इसमें नमक, थोड़ी सी काली मिर्चें डाल देते हैं, डाल देते हैं चलें जी, थोड़ी सी काले मिर्च ये चली गई। वैसे मुझे लगता है बीच पे भी थोड़ा सा चटपटा सा ही अच्छा लगता है, बाबू और ये तमाम चीज़ें होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। थोड़ा सा लहसुन पाउडर भी इसमें डालेंगे तो इसका फ्लेवर और बहुत खुल के आएगा। ये गया लहसुन पाउडर। अच्छा, हम लोग यूँ जो डाल रहे हैं इसकी वजह सिर्फ ये है कि बाकी चीज़ें ना थोड़ी थोड़ी ना उड़ भी रही हैं साथ साथ, एक टीस्पून बोलती हैं आधा डलता, फिर ये मज़ीद एक और डालती हैं, वजह उसकी यही है। अच्छा, आँच मैंने तेज़ रखी है। अच्छा जी, अब दूसरे पैन पे मैं काम ये करती हूँ कि जल्दी से बनाना शुरू कर देती हूँ सॉस। बेहतरीन सा सॉस बनाएंगे, लेमन एंड बटर सॉस बनाएंगे। उसके लिए हम पैन ले लेते हैं। वेजिटेबल्स रेडी हैं या भी थोड़ा है? बस थोड़ा सा उसको हमें तेज़ आँच मैंने कर दी है। इसके लिए मेरे पास ये वेजिटेबल्स वो बटर मौजूद है, और ये गया इसमें बटर। अच्छा, ये बटर जो है ना मैं थोड़ा सा इसमें भी डाल देती हूँ ताकि अच्छा फ्लेवर आ जाए। चलो जी, ये चला गया। बेहतरीन, आँच को तेज़ रखना है, आँच हल्की नहीं करनी है आपने, सही है। ये आप कितनी अच्छी सी कलरफुल सी लग रही हैं सारी वेजिटेबल्स ना। चलें जी, और इसको हम सिज़र में सर्व करेंगे। इसको हम गरम कर लेते हैं, मक्खन को हम गरम करेंगे, और इसमें डालेंगे ये क्रश किया हुआ लहसुन जो मेरे पास है। इसको हमें कोई फ्राई नहीं करना, ठीक है, मिक्स करना है। ये क्या, उसके बाद हम डालेंगे इसमें लेमन, लेमन जूस डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून, और मिक्स हर्ब, ये मेरे पास है इटालियन हर्ब है, ये इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1/2 टीस्पून, सही है जी, ये चलेगा इसमें। और बटर में आपको नमक डालने की ज़रूरत नहीं, इसको थोड़ा सा पकने देंगे। जब हम इसको सिज़र पे सर्व करेंगे तो ये ऊपर से हम इस पर ऐड कर देंगे। अरे ठीक है जी, बेहतरीन। चलें जी, ये वाह, बहुत ही शानदार हमारी ये वेजिटेबल्स भी हो गई हैं। अब नेक्स्ट उसमें हम एक काम ये करेंगे, सिज़र को गरम कर लेंगे, ये देखिए, ठीक है जी। अब मैं काम करती हूँ, इसको फ्राइंग पैन को हटा देती हूँ और वेजिटेबल जो हैं इसमें कन्वर्ट कर लेती हूँ ताकि ये ज़रा आसान हो जाएगा काम ना। चलें जी, देखिए कलरफुल सी सारी वेजिटेबल्स, लेकिन क्रंच इनका बरकरार है, और बड़ा अच्छा मसाला भी कोट हो गया होगा इसके ऊपर जो वो तमाम फिश वाला था। और फिश रेडी है, उसका तो फ्लेम ऑफ है, उसके अंदर हमें कुछ नहीं करना। स्टेक्स हैं ये बहुत शानदार जो रेडी हैं। हाँ जी, अब हमें चाहिए, हमें ये चाहिए मिक्सिंग बोल, मिक्सिंग बोल चाहिए। और इसको भी मैं साथ साथ देखती रहती हूँ, ठीक है। इसको मुझे सिज़लर पर सर्व करना है ना, तो ऊपर से डालूंगी इसको ना, तो सिज़लर भी हम यहाँ गर्म होने के लिए रख देते हैं। अभी सिज़लर उठाइएगा बेटा। अच्छा जी, आ जाते हैं अपनी एक और रेसिपी जो कि हम बनाने जा रहे हैं, क्रीमी सी फूड पास्ता सैलड। इसका हमें काम ये करते हैं कि इसकी हम पहले ड्रेसिंग बना लेते हैं, है ना। ओके, इधर ही रखना गरम। हाँ जी बिल्कुल, गरम होने के लिए। इसके इंग्रेडिएंट क्या क्या है, मेयोनीज़, ठीक है, ये गई मेयोनीज़। और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम लेमन जूस, ये चला गया। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे मस्टर्ड पेस्ट, ये गया। और डालेंगे इसमें क्रीम, ठीक है, ये गई इसमें क्रीम, क्रीम चली गई। और साथ ही शुगर, यानी थोड़ा सा इसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए हम इसमें शुगर ऐड करें, और ये शुगर है तकरीबन 1 टीस्पून मैंने ले ली थी भर के। नमक डालेंगे इसमें जायके के मुताबिक, ठीक है जी। ये गया नमक, नमक चला गया इसमें जायके के मुताबिक। और ये सॉस जो है बटर सॉस, हाँ, बटर सॉस ना, ये ऑलमोस्ट हो गया है, तो मैं इसका चूल्हा बंद कर देती हूँ। सॉस इसको हम मिला लेते हैं पहले तो, ठीक है ना। ये देखें जी, पहले तो हम इसको मिक्स कर लेते हैं, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे बेहतरीन सा, और फिर बाकी के इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले तो हम डालेंगे पास्ता। पास्ता बॉईल किया हुआ मेरे पास मौजूद है, ये डालेंगे इसके अंदर। ये मुझे ज़्यादा लग रहा है तो इसलिए मैं कम कर लूँगी, कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, इसके बाद हम इसमें डालेंगे, ये मेरे पास फ़िश के चंक्स हैं, ये चले गए। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी शिमला मिर्च, ये गई। इसके बाद हेलोपिनो पेपर्स हैं, ये चले गए, बेहतरीन ना। यस। और उसके बाद ये डालेंगे थोड़ा सा कलर ऐड करने के लिए टमाटर, शामिल कर देंगे।
और अब इससे मैं प्रॉन्स थोड़े से मैं बचा लूँगी गार्निशिंग के लिए ना, ताकि अच्छे लगेंगे ये दिखने में ना ज़रा। ये टेल समेत मैंने लिए हैं, आपके जिस आपको जिस तरह से पसंद है आप ले लीजिएगा। मैं थोड़े से निकाल लेती हूँ, ये चलें जी 3-4 और बाकी ये मैंने इसमें डाल दिए। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं, पास्ता की ज़रूरत होगी तो हम इसमें और ऐड कर देंगे। क्रीमी होना चाहिए वो भी हर तरह का, सब पास्ता सब शेप ले लिए मैंने, ताकि बहुत ही कलरफुल बहुत ही स्टाइलिश और बीच में जिस तरह से हर चीज़ आपको हर कलर मिल रहा होता है ना, बेहतरीन। ये देखें जी हो गया। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा सोया, सोया आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा, आजकल बहुत इन है, तो बिल्कुल आप डालेंगे इसमें सोया थोड़ा सा। तो जनाब देखा आपने कि कितनी जल्दी हमारा ये पास्ता सैलड जो है झटपट तैयार हो गया है। इसको हम और मिक्स कर लेते हैं, बहुत ही क्रीमी सा बहुत ज़बरदस्त सा, इसको भी अब हम निकालेंगे, ठीक है ना? ओके, तो क्या ख्याल है? अब बिल्कुल ब्रेक ले लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अपनी डिप भी बनाएंगे और साथ ही इन चीज़ों की प्रेजेंटेशन यानी स्टेक की प्रेजेंटेशन भी हम करेंगे। और सिज़लर हमारा गर्म हो रहा है, हाँ सिज़लर गर्म हो रहा है, फिर आगे क्या हो रहा है? अभी तो बहुत सारी जगह जगह पर जो है ना चीज़ें स्प्रेड हुई हैं, लाइक प्लेटिंग किस तरह से करनी है, प्लेटिंग का काम है अभी। और वो जो क्रेजी सी सॉस है वो हमने जानना है, जो कि क्रैब्स की होगी। एक्चुअली क्रैब भी अब आपको दिखाएंगे, हाँ। जो बीच पे आए हैं, फिश दिखा दी, प्रॉन्स दिखा दी, क्रैब भी रह गए, वही क्रैब भी दिखाते हैं लेकिन एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक, ये है सी फूड स्पेशल वीक और ये है क्रैब्स जो कि ये देखे मेरे पास प्लेट में। अच्छा मैंने उठाया तो एकदम से मूव हुआ, नहीं होते। और ये देखिए अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसको आप किस तरह से खोल के इसका मीट निकाल सकते हैं, मेरे हाथ खराब होंगे इसलिए पहले मैं इसकी डिप बताती हूँ और ये फिर हम क्रैब को डिटेल में जानेंगे। बिल्कुल जानेंगे इंशाल्लाह। अच्छा इसके लिए ये क्रैब मीट मैंने जो निकाल के रखा हुआ है, पहले ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मेरे पास मौजूद है, ठीक है? ये तकरीबन मेरे पास 3/4 कप के करीब है। अब हम इसकी ड्रेसिंग तैयार करेंगे, इसके लिए हमारे पास ये क्रीम चीज़, सबसे पहले हम ये डालेंगे क्रीम चीज़, क्योंकि डिप है ना तो इसको थोड़ा सा ऐसे ही होना चाहिए। इसके अलावा मेयोनीज, ये गई इसमें मेयोनीज, और जनाब इसमें डालेंगे हम ये लेमन जूस, ठीक है? ये गया लेमन जूस। और इसके बाद हम डालेंगे सार क्रीम। सार क्रीम आप कोई भी क्रीम, डेरी की क्रीम लीजिए, उसमें लेमन जूस को अच्छे से मिक्स करें, थोड़ा दूध मिक्स करें, तो सार क्रीम आपकी तैयार हो जाएगी जो मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। अब इसको सर्व कैसे करेंगे अभी पता है आपको जी? इसको हम जो क्रैकर्स आते हैं उसके साथ इसको सर्व करेंगे, कुछ वेजिटेबल्स जो है वो काट के इसके साथ रखें, वो भी बहुत अच्छी लगती है, ठीक है? ये है थोड़ी सी चॉप की हुई शिमला मिर्च, ये चलेगी इसमें। इसके बाद ये है जनाब ये हॉट सॉस, तो मैं थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैं गार्निशिंग में यूज़ करूँगी। इसके अलावा हम इसमें शामिल कर रहे हैं वर्सेशायर सॉस, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, ठीक है? ये गया। और ये इसमें पार्सले डाल लें या फिर आप इसमें कोई भी ग्रीन डाल सकते हैं, पार्सले डाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको हम मिक्स कर लेते हैं, पहले तो बहुत ही क्रेज़ी मैंने आपको इसका करा, मैंने खुद रखा है इसलिए कि क्रेज़ी होती है कि आप एक दफ़ा जब बनाएंगे खाएंगे तो आपका दिल चाहेगा कि आप इसको बार बार खाएँ, ठीक है? ये मिक्स हो गई। और अब ये क्रैब मीट जो मेरे पास यहाँ रखा था, क्रैब मीट मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से बनाया है हमने, तो ये इसमें मैं शामिल कर देती हूँ और इसको हम मिक्स करते हैं वेजिटेबल के साथ, क्रैकर्स के साथ। आप इसको सर्व कीजिए, आपके गेस्ट को बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है जी? ये मेरी तैयार हो गई है डिप, अच्छा सा हाँ, डिप बहुत ही ज़बरदस्त ये डिप तैयार हो गई है। अच्छा जी अब बताते हैं इसको, ये मेरी तैयार हो गई, मैं इसको अभी निकालती हूँ। इसको बॉईल किया बता? बॉईल किया है, और बॉईल किए बगैर तो जहर नहीं हम इसको इस्तेमाल कर सकते। ये क्रैब है मेरे पास ना, इसको इस तरीके से करते हैं कि देखिए ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इसकी जो ये बैक साइड है ना, इसमें बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे कि एक क्लिप टाइप है। इसको आप यहाँ से जब ओपन करेंगे, थोड़ा सा हार्ड होता है ये, इसको आप ओपन करेंगे इस जगह से, ठीक है? बच्चों के टॉय है तो और सेल डालने की जगह बैटरी डालते बिल्कुल ऐसी है। तो इसको यहाँ से आप खोलेंगे तो ये पूरा पोर्शन मीट का निकलेगा और उसके पास ये इसके अंदर से भी मीट निकलता है, ठीक है? इसको आप अच्छा वॉश करें, वॉश करने के बाद थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा नमक डाल के करना चाहें तो कर लें, नहीं तो आप इसको बटर में भी सौते करके डाल सकते हैं। तो बेहतरीन सा ये क्रैब मीट आपको मिल जाएगा। आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा क्रैब मीट की हम 1 से 2 रेसिपीज और भी बनाने वाले, वो क्या है वो आप देखिएगा, ठीक है? और इनको वॉश वगैरह तो कोई खास नहीं है इनका? नहीं, इनको आप जब लेकर आते हैं आपने ऐसे वॉश किया, फिर उसके बाद आप इसको डालेंगे
डाली गर्म पानी के अंदर, और आप ये जो क्लिप सा लगा हुआ था ना, उस अबील ने सही बात कही कि बच्चे के टॉयज में जैसे सेल डालते हैं ना, आप खोलेंगे इजीली निकल आएगा। हाँ, और ये पूरा शेल आराम से निकल आएगा, आपको कोई मसला नहीं हुआ, आपको लग रहा है। देखिए मैं जब छू सकती हूँ आप लोग भी कर सकते हैं काम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा और ये फिश कौन सी थी? अच्छा ये फिश जो थी वो हमारे पास सुरमई थी। सुरमई बहुत ही बेस्ट फिश होती है, जिसमें आप उससे बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि हम फिश नगेट्स भी बना सकते हैं, फिश स्टेक बनाया है, फिश का सालन भी उसका बहुत अच्छा बनता है और बहुत अच्छी होती है। स्लाइटली महंगी ज़रूर होती है बट अच्छी। अच्छा फ्राइंग में भी बहुत अच्छी होती है, खाने में आपको मजा आता है, टूटती नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, सबसे अच्छी बात, वरना तो फिश टूट जाए उफल्ला। कभी-कभी तो अच्छे खासे छोटे 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 पीसेस हो जाते हैं, बड़ा मसला हो जाता है ना। अच्छा जी यहाँ पर हमारा जो सिजलर है वो तो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया। हमारा ये आप देख रहे हैं कि बटर लेमन एंड बटर सॉल्ट जो है ये भी तैयार है, स्टेक्स हमारी तैयार है। अब ये सिजलर गर्म हो गया तो मैं दो चीज़ें आपको दिखा देती हूँ पहले, कि एक तो ये मेरे पास बंद गोभी, ठीक है ना, ये बंद गोभी है, ये इसके ऊपर हम डालेंगे, और साथ ही थोड़ा सा हमारे मैंने राइस रखे हुए, राइस का मोल्ड भी हम इसके ऊपर डालेंगे। ये तमाम चीज़ें हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद बिल्कुल। अभी तो वेजिटेबल्स बहुत सारी नजर आ रही है, मैं इसको करती हूँ, सर्विंग भी है, बहुत कुछ काम बाकी है, आराम से करेंगे। आज तो डे सेकंड है बट आपा ने भी कमाल कर दिखाया, फिश प्रॉन्स क्रैब तीनों ही चीज़ें लेकर आ गई हैं। देखें ये है सी फूड वी, जिसमें आप लोग मज़ेदार रेसिपीज जान रहे हैं, तो चल के देखिए। और रीकैप यहाँ पर तीनों रेसिपीज का रीकैप हो रहा होगा क्योंकि बहुत शानदार है रेसिपीज, चल के देखिए रीकैप जब तक मैं जा रही हूँ, और फिर एक छोटे से ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। Sizzling fish steaks with lemon butter. Ajza. Fish steak 4 adad, soya sauce 4 chai ke chamche, namak 1.5 chai ke chamcha, limon ka ras 2 khane ke chamche, mustard paste 1 chai ke chamcha, tel 4 khane ke chamche, kuti kali mirch 1 chai ke chamcha, pisa lehsun 1 chai ke chamcha, lemon butter sauce ke ajza. Limon ka ras 4 khane ke chamche, makkhan 6 khane ke chamche, crushed lehsun 1 khane ke chamcha, mix herb 2 chutki. Serving ke liye. Pyaaz haspe zarurat, uble aloo haspe zarurat, zucchini haspe zarurat, shimla mirch haspe zarurat, ब्रोकली हंसपे ज़रूरत, नमक काली मिर्च हंसपे ज़रूरत, उबले चावल हंसपे ज़रूरत, बंद गोभी सिजलिंग के लिए। तरकीब, मैरिनेशन के तमाम अज्जा फिश स्टेक पे लगाकर 2 घंटे के लिए छोड़ दें, फिर इसे पैन में ग्रिल करें। अब सिजलर को गर्म कर लें। लेमन बटर सॉस बनाने के लिए मक्खन, लीमू का रस, क्रश लहसुन और मिक्स हर्ब मिलाकर कुछ देर पका लें। अब सर्विंग की तमाम सब्जियों को मक्खन में नमक और काली मिर्च के साथ सौते करें, फिर गर्म सिजलर में पहले फिश स्टेक रखें, फिर उस पर लेमन बटर सॉस डालकर सौते सब्जियों और उबले चावल के साथ सर्व करें। क्रीमी सी फूड पास्ता सैलेड। सलाद के अज्जा, उबला पास्ता 2 कप, टमाटर 2 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद बड़ी, सोया 2 खाने के चम्मच, उबले झींगे 200 ग्राम, मछली 100 ग्राम, सलाद पत्ते गार्निश के लिए, हरी प्याज 1 अदद, हलपेनो पेपर्स 2 खाने के चम्मच। ड्रेसिंग के अज्जा, मेयोनीज 1 कप, क्रीम 3/4 कप, लीमू का रस 2 खाने के चम्मच, नमक 1/2 चाय का चम्मच, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, चीनी 1 खाने का चम्मच, लहसुन का पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, मस्टर्ड पेस्ट 1/2 चाय का चम्मच। तरकीब, ड्रेसिंग के तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स कर लें, फिर एक प्याले में उबला पास्ता, मोटे कटे टमाटर, चौकोर कटी शिमला मिर्च, सोया, हरी प्याज, हलपिनो पेपर्स, उबले झींगे और मछली को मिलाकर ड्रेसिंग शामिल करें, आखिर में सलाद पत्तों के साथ सर्व करें। जी वेलकम बैक, ये है सी फूड वीक, और यहाँ पर जी अब आप देखें आपा, आप तो छा गई हैं भाई, ये तो मुझे लग रहा है मैं किसी रेस्टोरेंट में आई हूँ, और एक से बढ़कर एक रेसिपी की जो है ना वो ये प्रेजेंटेशन हुई है, ये अमेजिंग, ये देखें, एक तरफ पानी का शोर, एक तरफ सिसला का शोर, और हवाएं भी जोरों पर, खुशबू भी मजेदार, आपने तो बड़ा अच्छा माहौल बना दिया भाई। जी वेजिटेबल रह गई थी तो मैंने सोचा इस पे ये भी डाल दें थोड़ी सी, ये वेजिटेबल हाँ सारी मिक्स है, ठीक है ना। चलो जी ये इस तरह से, अब आप देखें कि ये इतना अच्छा सा सिज़र तैयार हो गया है, तो इसको कौन नहीं टेस्ट करना चाहेगा, सब चाहेंगे कि इसको हम प्रॉन्स पास्ता क्रीमी सा जो तैयार किया आपने, प्रॉनी सी फूड है इसमें, हमने फिश भी ऐड किए थे। हाँ और मुझे तो सबसे अमेजिंग ये लग रहा है कि नहीं, ये तो भाई ये अगर ये आप इस तरह से किसी रेस्टोरेंट में सर्व हो रहा हो ना, अगर ये
तो ये तो पता नहीं कितने हजार का होगा एक आपके सामने आ रहा है। लेकिन भाई हमने आप तमाम लोगों के लिए इतनी मेहनत की है कि आप लोगों को अच्छी लगे चीज़ें, आप लोग भी जब अपने घरों में करें तो ये चीज़ें कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैंने इससे एक इस तरह से की है, ये मेरे पास प्लेटर भी अच्छा सा था, इसमें मैंने कर दी। इसमें आप ये देखें क्रीमी सी फूड पास्ता है, ये मेरे पास सिजलर है जिसमें हमने फिश थी, इसके साथ राइस भी है, वेजिटेबल हैं, और हमने लेमन एंड बटर सॉस इसके ऊपर से ऐड किया था, और ये थोड़ा सा हमने पास्ता हमने ऐसे भी रख दिया, तो आप भी कर सकते हैं इस तरह। हाँ, एक एक उठा के ट्राई कर लें, बिल्कुल फिर और पसंद आएगा, दूसरा भी खा लें, एक ही खा लेगा तीन स्पून के साथ ये दरअसल शुरू हो जाए ये एज अ स्टार्टर आप सर्व करें और ये आप अच्छे से उसमें रख दीजिए। हाँ, और ये जो डिप हमने तैयार की है ये आप बनाइएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और मैंने क्रैब का बता दिया आपको तरीका कि किस तरीके से आपको क्रैब खोलना है, सिंपल तरीका है बिल्कुल, आप निकालें खोलें और डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, जब मैं कर सकती हूँ आप लोग भी कर सकते हैं। अपील ने भी किया था थोड़ा सा हाथ लगा, सही बात है। चलिए जी, ये नाम चुके आपको आज की रेसिपीज भी बहुत जबरदस्त लगी होंगी, प्रेजेंटेशन तो इतनी शानदार है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। एक तरफ इतना अच्छा पानी और इसका व्यू है, तो दूसरी तरफ मैं यहाँ देखती हूँ तो ये भी आपने बहुत कलरफुल किया है, इसी तरह समुंदर के पास कलरफुल सा समुंदर। आप सब लोगों को पसंद आएंगी ये चीजें और आप बहुत शौक से ये चीजें बनाएंगे अपने घर में। वेरी नाइस, तो जी इजाजत लेते हैं, इन क्रैब्स को पानी में छोड़ते हैं वापस। तो बिल्कुल इंशाल्लाह पानी में छोड़ते हैं, फिर दोबारा भी इनको लेकर आएंगे, कल फिर पकड़ेंगे। ये तो बड़ी मेहनत से बेचारी लेकर आई है, इनको रखेंगे नहीं भाई, ये सारी मेहनत जो है ना मेरी क्रैब सारी चीज़ों की मेहनत जो है मेरे डायरेक्टर सालिक जो है उन्होंने मुझे करके दी, इतनी ज़्यादा मेहनत जाहिर उन्होंने मुझे करके दी तो मैं आप तक मैंने पहुँचाई है। हाँ भाई देखिए, तो उनका भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी चीज़ें लेके आए, हर चीज़ ये उन्हीं की लाई हुई है और बहुत शौक से वो लेकर आए और हमने यहाँ पे शौक से बनाने की कोशिश की है। मेहनत है सब लोगों की, मेहनत है और जो है मेहनत फिर जब आप लोग अप्रिशिएट करते हैं तो फिर दिल को तसल्ली हो जाती है, ठीक है मेहनत ये तो जी वसूल हो गई कि आप लोगों को पसंद आ गया। बिल्कुल। एनीवेज जी, ये हमारा लंच टाइम हो चुका है, अब बस अब हम लंच एंजॉय कर रहे हैं, ये बहुत ही शानदार सा सी फूड है, भरपूर हर तरह की चीज आपको आज के हमारे मेन्यू में नजर आ रही होगी, आप देखिए ट्राई कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा, चाहे तो बीच पर आके एंजॉय कीजिएगा, फिलहाल तो आप लोग देखिए मैं आपको लेके जा रही हूँ, कल मुलाकात करेंगे यहीं पर, यही समंदर पर मजे की रेसिपीज के साथ। अल्लाह हाफिज़।